शेयर कर सकूं बल्कि खादम मास्टर शहजाद साहब का इंग्लिसिया का मैं कभी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका बख्शा कि आज हम कुरान मुकद्दस में से मिलकर सीख सकें। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज का जो हमारा मज़मून है इसे पेश करके हम इस पर बात करें। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लास्ट वीक हमने खुदा के कलाम में से क्या सीखा था, क्या टॉपिक था? खुदा मौजूद है, आमीन। और भाई कमाल एक आयत पर बड़ी तशरी करते रहे थे, याद है आपको? तुमने पहली सी आमीन। आज हम इसी आयत पर गौर करेंगे। और मैं ये जब लास्ट फ्राइडे को पास्टर जॉन के साथ जा रहा था तो मैं रास्ते में यही बात करते जा रहा था कि मैं एक दो वीक से इसी टॉपिक पे जो है ना मुसलमान दिख रहा था, तो शायद ये आयत हम सबों के लिए, वैसे तो खुदा का कलाम जो है वो एक एक लफ्ज जो है वो हमारी रूहानी ग्रोथ करती है, हमारे हमें बढ़ोतरी देती है, कुवत देती है, ताकत देती है। लेकिन खुदा वक्त पर अपने लोगों को जो कुछ चाहिए होता है वो मुहैया करता है। और शायद आज इस आयत की वसीला से हमारी कलीसियों के अंदर, हमारी जिंदगियों के अंदर इस आयत की जरूरत है। सो मेरे भाइयों और बहनों, आज हम इस आयत के पस मंजर में जाएंगे कि ये कब, क्यों और कैसे लिखी हुई, क्या जरूरत पड़ी कि इस आयत को लिखा जाए और किन के लिए लिखी गई। और जिस तरह हम सब ने लास्ट टाइम पढ़ा था मसीह यीशु के मकाशफा जो मुनारफ की मार्फत लिखा गया था, उसका दूसरा बाब हम सब बोलेंगे, उसका दो बाब, उसकी हम पहली सात आयात को तलावत करते हैं और फिर हम इसी कलाम में से सीखेंगे कि ये इफिसस की जो कलीसिया है वो किन कामों में पड़ गई और क्यों खुदा ने, खुदा के पाक ने इफिसस की कलीसिया को ये कहा कि तुमने पहली सी मोहब्बत छोड़ दो। इफिसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के जो अपने दाहिने हाथ में सतारे लिए हुए हैं और सोने के साथ चरागदानों में फिरता है और वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मशक्कत और तेरा सबर तो जानता हूँ और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको भी आजमा कर झूठा पाया और तू सबर करता है और मेरे नाम की खातर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने पहली सी अपनी मोहब्बत, तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है और तौबा कर और पहले की तरह काम कर, नहीं तो मैं तेरे पास आकर तेरे चरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, बहुत बरकत दे।
मेरे भाई और बहनों, ये किताब जो मुकाशफा की है, जो मसीह यीशु ने अपने बंदा यूहन्ना आरफ की मार्फत लिखवाई, और बहुत सारे लोग मुकाशफा का अगर मैं मिलकर, हम जिस तरह मैंने कहा कि मिलकर सीखेंगे, आज हम ये सीखेंगे कि मुकाशफा का मतलब क्या है। मुकाशफा का मतलब अगर कोई जानकर प्लीज उपला लवास में आमीन। बहुत सारे लोग जो मुझे मेरे कानों में ये आवाज भी भेद, लेकिन इसका मतलब भेद नहीं है, बिल्कुल इसके उलट है। जैसा मेरी बहन ने बताया कि किसी चीज का राज को अफशा कर देना, बोल देना, मुकाशफा का जो मतलब बनता है वो कशफ से है, इनकशाफ करना, कोई चीज छुपी हुई और उसको उसका राज बतला देना, इसका मतलब मुकाशफा से हम देते हैं। सो मेरे साथ रहिएगा। सो मुकाशफा का जो लुफी मैंने है वो जाहिर करना या पर्दा उठाना। फिर जो खुदा के कलाम में छुपी हुई बातें हैं उस राज को अय्या करना। इसीलिए मसीह यीशु ने अपने बंदा यूहन्ना आरफ की मार्फत वो छुपे हुए राज लिखवाए, ताकि कलीसियाएं, उसके लोग जो है वो तरक्की पाए। आमीन। सो मुकाशफा की किताब में यीशु मसीह के जो आसमानी जलाल को जाहिर करना, उसकी इलाही शान को बेनकाब करना, यानी उसके राज जो होते हैं ना, उसको जाहिर करना ताकि छुपे ना रहे। सो मसीह यीशु ने जब इस इफिसस की कलीसिया को लिखा, जिस तरह ने पढ़ा कि इफिसस की कलीसिया के फरिश्ता को लिख, तो ये उस वक्त एक, हम सब जानते हैं यूनानियों की, रोमर्स की सॉरी हुकूमत होती थी, और जो उनका बादशाह होता था उसका नाम, उसको कैसर कहते थे, लेकिन उसका जो पर्सनल नाम होता था वो डिफरेंट होता, लेकिन बादशाह को हम कैसर कहते थे। तो उस वक्त एक बादशाह था दो मतियान, वो बादशाह उस वक्त रोमन्स का जो बादशाह था वो हुकूमत करता था, और उस वक्त रोमन्स जो थे वो पूरी दुनिया में बड़े मशहूर और पावरफुल थे। इसी दौर के अंदर, दोमतियान के दौर के अंदर, इफिसस की जो कलीसिया है, जो तकरीबन कहने के 80s की दहाई में ये तरक्की पाई, तरक्की इसकी जो बेस बनी, परवरिश पाई, तो ये दोमतियान, ये इस एरिया का जो बादशाह था या उस कंट्री का बादशाह था, और ये मौजूदा जो इफिसस की कलीसिया एशिया कुछ का एक शहर है, इफिसस, जैसे इफिसियों के खात भी की पड़ी है। तो ये एशिया पिछु का एक मुल्क जो आजकल तुर्की है, उसमें ये कलीसिया, इफिसस एक शहर था इस एरिया तुर्की के अंदर, मगरबी साइड, उस शहर में ये कलीसिया ने परवरिश पाई। सो वहां पे पौलुस रसूल ने, तिमोथियुस ने, अकुला ने, प्रिस्किला ने, और इसके अलावा अपुल्लोस ने वहां पे बहुत हिम्मत की। सो मेरे भाई और बहनों, जिस तरह इफिसस की हम कलीसिया का पढ़ रहे हैं, तो इफिसस की कलीसिया का मतलब है दिल पसंद कलीसिया। क्या मतलब है इफिसस की दिल पसंद कलीसिया? और यही है कलीसिया की वो नुमाइंदा जमात थी, जो कि पहली सदी की पहली कलीसिया जो थी वो कलीसिया कायम हुई। So, ये शहर जो इफिसस का शहर था, ये बड़ा उस वक्त एशिया कुछ का शहर था, बड़ा तजारती सकाफती और बहुत बड़ा अच्छा, और पैसे के लिहाज से भी बड़ा खूबसूरत शहर था। उस वक्त जब मुकाशफा लिखा गया था, तकरीबन मुफक्किरीन कहते हैं कि जो इफिसस शहर था उसकी 2.5 लाख के करीब आबादी था, और 2.5 लाख उस वक्त भी बहुत बड़ी आबादी है। So,
हम ये सारी चीजें आगे जाकर देखेंगे, लेकिन मैं ये बतलाना ये चाहता हूँ कि बस यीशु ने अपने बंदा के वसीला से ये क्यों लगवाया कि तुमने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। और ये अल्फाज इफिसस की कलीसिया के हवाले से अमान उसका 19 बाब जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पे जब पौलुस इफिसस की कलीसिया में जाता है, तो हम सब जानते हैं कि वहां पे जो कलीसिया का आगाज हुआ तो बड़ी रूहानी जंग के माहौल में हुआ था। वहां पे देवताओं के जो मंदिर थे, वहां पे बहुत सारी और चीजें थी, बुत परस्ती थी। लेकिन जब पौलुस वहां पे जाते हैं तो पौलुस अपने शागिर्दों को लोगों कहते हैं, क्या तुमने रूह कुदस पाया? उन्होंने क्या जवाब दिया कि हम नहीं जानते। और जब रूह कुदस उनको मिला, पौलुस ने जब उन्होंने दुआएं की, दुआ की, तो वहां पे लिखा तकरीबन 12 आदमी, तो वहां पे जब दुआ की गई, रूह कुदस मिला, तो रूह कुदस के वसीला से बदरू गिरफ्तार लोग जो थे वो आजाद हुए। और यहां तक लिखा है कि इकरामे मुकद्दस में के पौलुस और रसूल के वो पटका जो था ना, वो मार के बीमारों पे वो लगाते होते थे, बीमारों पर शिफा पाते। तो इस तरह ये कलीसिया जो है इफिसस की वो तरक्की करना शुरू। और जब ये गैर जुबान बोलते और दूसरे लोग थे वो इनको बुरा भला भी कहते, और उनके ख्यालात जो है वो थोड़े मुख्तलिफ थे, ये इस तरह की जबानें बोलते और इस तरह का इनका एटीट्यूड है। सो मेरे भाई और बहनों, जैसा मैंने बताया कि ये पौलुस रसूल जो था वो 50 की दहाई में इफिसस में गया था, और वहाँ पे तिमोथियस ने भी खिदमत की, और वो इफिसस की कलीसिया का पासवान था, बिशप था, पास्टर था। इसके जब इफिसस की जो कलीसिया को पैगाम जो लिखा गया, तकरीबन 4-5 खत लिखे गए इफिसस की कलीसिया, सोना नहीं किसी ने, सब ने अटेंड करा, ठीक है, क्योंकि हम मिलकर सीखेंगे और एक दूसरे से सीखेंगे खुदा के कलाम को। आमीन। तो पहला खत इफिसियों ने, पौलुस ने इफिसियों के नाम लिखा था, पौलुस रसूल ने किसके नाम लिखा था? इफिसियों के नाम, पहला खत। और दूसरा और तीसरा खत जो है वो पौलुस ने तिमोथियस के नाम लिखा, क्योंकि तिमोथियस यहीं पे खिदमत करता था, यहीं पे वो कलीसिया का पासवान था। तो पौलुस ने दो खत लिखे थे, पहला तो तिमोथियस और दूसरा अमीन, फिर चौथा खत यीशु और मसीह ने अपने बंदा वसीला से लिखवाया था। तो इस तरह इफिसस की कलीसिया को चार खत लिखे थे। अमीन। हमने पहली आयत में पड़ा है, जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने की सातों चिरागदानों में हिता है। यहाँ पे दो लफ्ज हमने पढ़े, सितारे और चिरागदान। जो आलमे दीन है, इन सितारों के हवाले से कहते हैं कि इसका मतलब जो है या तो फरिश्ता है और या फिर आसमान है, निगहबान है। अमीन। सितारे का जो मतलब यहाँ पे बयान किया गया है, जो मुफक्किरीन है, जो आलमीन है, वो कहते हैं कि इसका मतलब है कि जो निगहबान है, या तो निगहबान के हवाले से कहा गया या फरिश्ते के हवाले से। लेकिन जो चिरागदान यहाँ पे जो लफ्ज हमने पढ़ा, इससे मुराद है कलीसिया, कि वो चिरागदानों में फिरता है। कौन फिरता है? मसीह कुदस, वो कलीसियों के अंदर फिरता है। इसलिए वो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा, यानी उन कलीसियों में से मैं हटा दूंगा, उन चिरागदानों को हटा दूंगा। सो यहां पे जो पहली आयात में, दूसरी आयात में खुदा का रूह इफिसस की कलीसिया को जब पुकारता है, जब रुकवाता है, कहता है, उसमें वो तारीफ करता है। अब देखिए, हमने दूसरी तीसरी आयत में पढ़ा, पहली तारीफ को ये करता है कि ये इफिसस की कलीसिया जो है बड़ी मेहनती थी, मेहनत करने वाली थी। और जैसे हमने पहले आपको लिखा दूसरी में कि तेरे काम और मशक्कत को मैं
जानता हूँ, यानी मशक्कत के साथ मेहनत के साथ काम करने वाली कलीसिया थी। इसके बाद ये कलीसिया जो थी ये बदी से नफरत करने वाली थी, यीशुस की कलीसिया जो थी वो बदी से नफरत करने वाली थी और रास्ते पर कायम रहने वाली। फिर तीसरी जो तारीफ यहाँ पे यीशुस की कलीसिया की जाती है वो ये है कि ये दुरुस्त तालीम पर कायम रहने वाली कलीसिया, अपने दुरुस्त अकीदे पर कायम रहने वाली कलीसिया। और फिर चौथे नंबर पे जो इसकी तारीफ की जाती है कि ये ईसा रसानी में भी, यानी मारकूट में भी, दुख में भी, तकलीफ में भी ये बर्दाश्त कर गिरती नहीं, अपने हौसले को बुलंद रखती। हमें ये साबित कदम रहने वाली कलीसिया है, क्योंकि जिस तरह हमने तीसरे अकाशवाद लोग पढ़ा कि कुछ सबक करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं, यानी ये कलीसिया थकती नहीं थी बल्कि मेहनत करती, मुशक्कत करती और दुख तकलीफ में, इज़ा रसानी में भी साबित कदम रहती। और फिर जो आखिरी तारीफ की गई है कि ये नेकियों के कामों से नफरत रखने वाली कलीसिया थी। अच्छा, ये जो नेकियों जो यहाँ पे लिखा है आयत छठी आयत, ये नेकियों के कामों से नफरत रखने वाली कलीसिया थी। पौलुस रसूल 12 शरीर जब वहां पे थे तो उन्होंने सोचा कि खुदा का काम जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, तो उन्होंने वहां पे चंद लोग जो है वो महसूस किए थे, डीकन जिनको हम कहते हैं, उनमें 7 नाम जो है वो महसूस किए गए। अगर हम पढ़ना चाहते हैं अमाल 5वां बाब उसका 6 बाब उसके 5वां आयत, उसमें हम देखते हैं अमाल 6 बाब उसकी 5वीं आयत, ये बात सारी जमात को पसंद आई, बस उन्होंने स्तिफनस नाम एक शख्स को जो ईमान और उत्तर से भरा हुआ था और फिलपस और परफुर्स और निकानूर और तैमूर और परनाम परनास और निकराउस को जो 9 मरीज लूटिंग अंताकी का चुन लिया। ये जो निकराउस था ये 9 मरीज यहूदी था और इन जो 7 लोगों को चुना गया था उनमें से ये एक था। अच्छा, निकलॉस जो था, जो ये लफ्ज 2 यूनानी लफ्जों का मुरक्कब है जिसका मतलब है आम लोगों पर फतह पाने वाला। निकलॉस का मतलब क्या है? आम लोगों पर फतह पाने वाला, यानी ये कलीसिया जो थी, जो निकलियों की कलीसिया जो लोग थे क्या करते थे, इनके अंदर बदी, फिर हर तरह का ऐप, हर तरह की वो चीज जो खुदा के कलाम के खिलाफ थी इनमें आ। इसलिए तो अमाल इस बाब में पौलुस रसूल वहां कहते थे कि तुम में से बहुत सारे लोग तुम में से निकलेंगे जो तुम्हारे जो अपने जो शगिर्दों को अपनी तरफ खींच लाए। निकली जो थे वो कहते थे कि हम पैसे देकर भी गुनाह जो है ना वो माफ करवा सकते, बदी इनके अंदर थी। फिर ये गुनाह की दलदल में फंस चुके थे, झूठ फ्रेब नसब इनके जिंदगी आ चुका हुआ था। तो ये लोग वहां पे जहां पे खुदा की रूह तारीफ करते हैं कि ये कलीसिया जो थी इतनी मजबूत ईमान में सबक कदम रहने वाली, लेकिन वहां पे जाके फिर बस यीशु के साथ जो है अपने बंदा की वसीला से शिकायत करती है कि तुमने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, जान करके तुम कहां से गिरा। वो कलीसिया जो बड़ी मजबूत थी, साबित कदम थी, सबर रखती थी, और फिर वो कलीसिया जो खुदा का जो बोझ है, जो खुदा का काम है वो करते करते थकती नहीं थी, उकताती नहीं थी, लेकिन उनमें से निकले जो निकलियों के लोग थे उनमें
एंटर हो चुके हुए, जिसके वसीला से यीशु की कलीसिया खुदा से मिली है। ईमान तो रखते थे, ईमान ये रखते थे, लेकिन ये खुदा के जो काम है उसको सही तरीके से उसको उस करने से पीछे हट चुके। यानी ये सिर्फ अकीदों पर ही रहते थे, ना कि प्रैक्टिकली उसको करते। खुदा का कलाम क्या बतलाता है, क्या हुक्म अर्शाद आज़म, कि तुम कौमों में जाकर उसकी मनाती पर, ताकि जो भी उस पर ईमान लाए अल्लाह पर भरोसा करे। लेकिन ये लोग ईमान तो रखते थे, लेकिन खुदा का काम करने से गुरेज करना शुरू कर दिया। इसलिए रू ने फरमाया कि मुझे तुमसे शिकायत है, तुमने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। तो मेरे भाई और बहनों, ये जो मोहब्बत है, ये जिस तरह हमने कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं, मोहब्बत जो है गुनाहों पर पर्दा होता है। और मोहब्बत क्या है? बस ये खुदा का कलाम। और जहां पे मोहब्बत है वहां पे बेईमानी नहीं, वहां पे गुनाह नहीं, वहां पे हसद नहीं, वहां पे बुग़्ज़ नहीं, वहां पे कोई ऐसी बात नहीं जो खुदा के खिलाफ। तो मेरे भाई और बहनों, इस मोहब्बत के बारे में जो मुफक्करीन वो कहते हैं कि तीन किस्म के ख्याल पाए जाते, ये जो मोहब्बत लिखी थी तुमने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। तो मुफक्करीन कहते हैं कि इस मोहब्बत को यानी तीन तरह के वो जो है ना ख्याल हैं कि किस मोहब्बत के बारे में कहा गया। पहला ख्याल है कि जो यीशु की कलीसिया है वो मसीह के लिए पहले जैसी मोहब्बत ना रहे, उनमें ना रहे। ये पहला मुफक्करीन का ख्याल है कि जो मसीह की मोहब्बत थी ना उनके अंदर खत्म हो चुकी, वो नहीं रही। और दूसरा ख्याल ये है कि वो आपस में एक दूसरे में जो मोहब्बत थी ना उनमें खत्म हो गई, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, ये दूसरा ख्याल है। और तीसरा ख्याल था कि जो खुदा का वो खुदा के मिशन से खाली हो गई। खुदा का मिशन क्या था? कि खोए हुए को इंसानों की वो जो खुदा की तरफ लाना है, जो खोए हुए हैं, जो गिरे हुए हैं, जो टूटे हुए हैं, उनको खुदा की तरफ लाना है। लेकिन ये उस मिशन से भी खाली हो गया। तो ये मुफक्करीन का ये जो ख्याल था कि वो कुछ लोग कहते हैं कि वो मसीह की मोहब्बत से, कुछ लोग कहते हैं कि जो आपस की मोहब्बत है, और कुछ लोग कहते हैं कि खुदा की मिशन की जो मोहब्बत थी वो उससे खाली हो, इसलिए मसीह ने वहां पर कहा कि छोड़ दी। लेकिन मेरे ख्याल में ये तीनों नजरियात जो हैं वो दुरुस्त है। मसीह की मोहब्बत से भी वो खाली हुए, कलीसिया के अंदर जो मोहब्बत थी वो भी उनके अंदर ना रही, और खुदा के मिशन से भी वो दूर हो गए। सो इसी तरह जो ये कलीसिया थी ये ना इत्तफाकी का शिकार है। सो ये कलीसिया जो यीशु की कलीसिया है वो इल्मे इलाही में सरगर्म थी। इल्मे इलाही में यानी इल्म रखना वो तो जानते थे, इलाही इल्म तो रखते थे, उसके बारे में जानते भी थे, लेकिन इश्के इलाही में वो पीछे हट, यानी वो जो खुदा से उनकी मोहब्बत थी उससे वो पीछे हट गए। आज हम यीशु की कलीसिया की माने तो नहीं, जो खुदा के साथ हमें खुदा को कबूल किया, बपतिस्मा लिया, और उन दिनों में जब हम बपतिस्मा लेते हैं ना या हम खुदा की तरफ आते हैं, उन दिनों में हम बड़े पास्टर साहबान से तालुकात भी अच्छे रखते हैं, खुदा के घर में भी आते हैं, फिर शायद दिन रात दुआएं भी करते हैं, और जो हमारी जिंदगी का जो तब्दीली है वो डेफिनेटली वो दूसरे लोग भी देखते हैं कि इसके अंदर तब्दीली है। लेकिन वो तब्दीली आहिस्ता 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 ख़त्म होती जाती है। जिस स्ट्रगल के साथ आपने मसीह को कबूल किया, जिस मकसद के तहत और जिस जोश के तहत आपने मसीह को कबूल किया, वो जोश आहिस्ता आहिस्ता ठंडा पड़ना शुरू होता है, और फिर हम दुनिया के दुनियादारी में खो जाते हैं। आए जरा इसको जो पलूस रसूल जब मार्के 20 बार को जब पढ़ते हैं, तो मैं बरबरी थोड़ा सा बता देता हूँ, पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वहाँ पे भी खुदा का बंदा कहता है कि जो
लोग हैं तुम में से उठेंगे, क्योंकि जब पांच रोज मुकदस ने वहाँ पे काम किया, बदबू फिर लोग आजाद हुए और वहाँ पे बीमारों ने शफा पाना शुरू की, तो वो लोग वहाँ पे जो अक्तमस देवी का जो मंदिर, खास तौर पर मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ये सात अजूबों में से एक अजूबा दुनिया का है जो इसी शहर के अंदर पाया जाता था। और ये कलीसिया के जो लोग थे यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा कारोबार करते थे इस हवाले से, जो अक्तमस देवी के मानने वाले लोग बहुत थे। और वहां पे एक सुनार भी था जो इसका कारोबार भी करता बनाता था, दूध और बहुत सारी चीजें अपने पेशवाओं के साथ देते, अपने लोगों के साथ देते। तो जब पलूस रसूल वहां पे गए, खिदमत शुरू की, लोगों ने शफा पाना शुरू की, नई जिंदगी बनना शुरू हो गई, खुदा की तरफ मायल होना शुरू हो गए, मसीह को कबूल करना शुरू कर दिया, तो इन्होंने सोचा कि हमारा कारोबार जो है वो तो ठप पड़ गया। क्योंकि ये कहते हैं कि दुनिया के जो बुत है, जो मूर्तियां हैं, वो खुदा नहीं बल्कि जिंदा खुदा जो आसमान पर है वो अमीन। तो ये लोग जब पलूस यहाँ पे खिदमत कर रहे थे, तो वहां बुतों के बाद देखा जाता है बेनाम खुदा, राइट। तो पलूस रसूल ये कहता था कि ये बेनाम जिसको हम जानते नहीं, मैं उसी की तो खिदमत कर रहा हूं, उसी की तो प्रस्तुति करता हूं, उसी ही के नाम की तो मनादी करता हूं, वो बेनाम खुदा कौन है? यीशु मसीह। लेकिन ये लोग अपने इल्मे इलाही से करते उसमें ट्रस्ट रखते थे, लेकिन खुदा के इलम से या इश्क़े इलाही से वो मरबूब होते चले थे। तो पौलुस रसूल वहां पे कहते हैं कि बहुत सारे लोग तुम में से उठेंगे जो अपने गल्ला पर ट्रस्ट ना पाएंगे, उल्टी उल्टी सीधी बातें करें। और आज हमने जिस तरह का मुकदस में देखा है, जो व्यक्तियों लोग थे वो भी उल्टी सीधी बातें करते थे कि पैसे से हम शफा पा सकते हैं, पैसे से जो हम बड़ा कुछ, यानी बहुत सारी चीजें उनके अंदर बनी थी, खुदा था, बुद्ध प्रस्ती आ गई थी उनके अंदर, वो बहुत सारी चीजें सनातारी उनके अंदर। वो कहते थे कि जो मसीहत है ना, ये एक वचन का नाम है बस। सो मेरे भाई और बहनों, प्रोफेसर अर्दीन है वो बताते हैं कि दो तरीके हैं जो खुदा की मोहब्बत से ठंडे करने पर हमें मजबूर कर देते हैं। जो दो तरीके, पहला तरीका कि ईमानदार के दिल में खुदावन की मोहब्बत की जो आग है ना, उसकी जगह दुनिया की फिक्रे, लालच, असल फ्रेम झूठ और बहुत सारी चीजें ले लेती। यही हुआ कि इन कलीसिया, इस कलीसिया के अंदर बजाय खुदा के जो मोहब्बत थी, खुदा के मिशन की जो मोहब्बत थी, उस पर कायम रहते इनके अंदर लालच, हसद, फ्रेड, झूठ आ गया और ये खुदा के कलाम से मुनहरफ होना शुरू हो, खुदा के कलाम से पीछे होना शुरू हो। तभी वहां पर लिखा कि तूने पहले से मोहब्बत छोड़ दी। जिस तरह पहले जोश के साथ काम करता था, जिस तरह तू पहले मोहब्बत रखता था, उसी तरह मोहब्बत तू अब नहीं रखता, बल्कि तूने छोड़ दी। और जान करके तू कहां से गिरा है, वो अपने आप को परख कि तू कहां से गिरा है। खुदा आज भी हमें ये पुकारता है, आज भी कहता है कि आप भी मौका है कि तू अपने आप को जान, अपने आप को परख, क्योंकि खुदा ने परखने की रूह दी है, अपने आप को जांच ले। अगर तू गिर चुका है तो वो गिरे हुए को उठाने की कुदरत रखता है, अगर तू टूट चुका हुआ है तो वो जोड़ने की ताकत रखता है। लेकिन शर्त यह है कि तू अगर अपने आप को जांचे, कोशिश करे, क्योंकि खुदा के इंसान में लिखा हुआ है कि जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो हरगिज़ कामयाब ना होगा, लेकिन जो अपने गुनाहों का इकरार करके उसको तर्क कर देता है, उस पर उसकी रहमत होगी।
लेकिन जो अपने गुनाहों को छुपाता है, जो इकरार नहीं करता, उस पर खुदा की रहमत कैसे हो सकती है? इसलिए जो मोहब्बत ठंडी पड़ जाने का तरीका प्रोफेसर डीन ने बताया कि जो खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर ईमानदार के अंदर है, उसकी जगह दुनिया का लालच, दुनिया दुनियावी चीजें और दुनिया की फिक्रें, और जो वो फरमाता है कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर ला दे क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। शेर का बच्चा भूखा रह सकता है लेकिन मेरा कारोबार भूखा ना रहेगा। ईमानदार जो है ना उसके दिल में इस दुनिया के अंदर रहते हुए, क्योंकि कहता है कि जो खिदमत है ना ये आसान नहीं है, ये कानों की सेज है। तो पलूस रसूल भी जब खिदमत करते थे ना तो इसी 20वीं बात के आगे अपने देखेंगे लास्ट में, तो उलमा में लिखा है कि देना लेने से बारी है। पलूस रसूल भी जब खिदमत करते हुए कहते थे कि आप ही ने मेरी हाशियों पर रफा किया, लेकिन ना तो उनके अंदर कोई लालच था, ना उनके अंदर कोई बुगस था, ना उनके अंदर कोई हसद था। लेकिन आज अगर हम कलीसियों के अंदर देखें तो बहुत ज्यादा ये चीजें पाई जाती हैं। आज बहुत सारे नामी मसीही तो हैं, बहुत सारी कलीसियां हैं जो अपने आप को कहती तो है कि हम मसीह हैं, लेकिन वो अपने अपने फिरके बनाकर अपनी सोच के मुताबिक तब्दील दे रहे हैं। जो एक जो जरूरत है अगर तो खुदा की मिशन की मोहब्बत हमारे अंदर है, क्योंकि हम सब खुदा के क्या है, बेटे और बेटियां है, शागिर्द है। और शागिर्द मैंने लासा ने बताया था कि शागिर्द दो लफ्जों का मुरक्कब है फारसी का, शाह और गिर्द। शाह का मतलब बादशाह और गिर्द का मतलब सर का इर्द गिर्द, यानी जो अपने बादशाह के इर्द गिर्द रहता है उसका मतलब है शागिर्द। और जो शागिर्द खुदा के साथ रहता है, खुदा के साथ जुड़ा रहता है, जो खुदा से बातें करता है, जो खुदा के साथ दिन और रात रात के पहरों में उठकर बातें करता है, फिर खुदा उसकी सुनता है। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें मैं उनमें नहीं जाना चाहता, लेकिन निकलियों की तरह पाई जाती है। बहुत सारे लोग गैर जबान पे भी मुख्य सवाल आते करते हैं। आज बहुत सारे लोग बपतिस्मे पर वो सवाल आते करते हैं, लेकिन मेरे सो परमेश्वर रसूल जब इफिसस की कलीसिया से निकला और जब उसने इफिसस की कलीसिया को ये कहा कि अब मैं जाता हूँ, शायद फिर तो मेरा मुंह ना देखो, और वो कलीसिया जो है वो परेशान हो गई। तो जाते हुए पर उसने क्या कहा था कि मैं तुम्हें खुदा के कलाम के सुपुर्द करके जाता हूं। आमीन। जिसका मतलब ये था कि खुदा के कलाम के मुताबिक तुमने चलना है और उसके कलाम की मुनादी करनी है, कोई बात अपने पास से नहीं करनी। मैं तुम्हें खुदा के कलाम की सुपुर्द करके जाता हूं, खुदा के पाक रूह कुदस की सुपुर्द करके जाता हूं। इसलिए मेरे भाई होता है, आज मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब भी हमारे सेहन में कोई नेगेटिविटी आती है तो समझ जाए कि शैतान से जा रहा है। तो मैंने मिसाल भी दी थी कि रात को मोहम्मद साहब मेरे भाई और मैंने सारे रात को दुआ जरूर सोने से पहले दुआ करते होंगे। तो कई दफा ऐसे होता है कि अच्छे लेते लेते दुआ कर रहा है, जब ख्याल तो जिसका मतलब यह है कि शैतान आपको बरगला रहा है कि खुदा की कोई अहमियत नहीं, उसकी इज्जत। अगर मैं तो बादशाह हूं, तेरा खुदा हूं, तो मेरी इज्जत कहां? जिसका मतलब यह कि शैतान आपके अंदर आ चुका है और काम करना शुरू कर दिया है। आप उसी वक्त बैठकर खुदा से दुआ करना शुरू कर दिया और कहें कि मैंने शैतान पे खता पाई है, मैंने यीशु मसीह के वसीला से, उसके पाक के वसीले से फतह पाई है, तो वो भाग जाता है। हम गीत भी गाते हैं ना, अंदर जो कुवत है, ताकत है ना, वो मामूली सी है। एक ईमानदार की जो कुवत है जो खुदा उसे देता है,
कहीं ज्यादा। इसलिए मेरे भाई और बहनों, दूसरा तरीका मैं बहुत सरल कि एक माफी और उत्साह सा है। जाहिरी तौर पर क्या करता है कि वो मसीह का पैरोकार तो नजर आता है, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं करता। बहुत सारे लोग अमली तौर पर कुछ नहीं करते, सिर्फ अपनी नौकरी करते हैं, राइट। सो आज हमने ये देखना है, याद रखें कि मसीहत में जो मोहब्बत है वो पहले और फर्ज बाद में आता है, फर्ज बाद में आता है। सो आई ऐसी सो अपने आप को देखें, परखें कि क्या हमारा रूहानी मजाज खुदा की मोहब्बत को कबूल करने वाला है या सिर्फ नौकरी कमाने वाला है। जब मास्टर है हम नौकरी कर रहे हैं, बस हमें क्या भेड़े उधर जिधर बरसी जाए, ठीक है। तो आए आज हमें देखना है कि हमने जब मसीह को कबूल किया, मुझ में मेरे खानदान में पहले जैसी मोहब्बत है कि मैं जैसे रातों पहर उठ के दुआ करता था आज करता हूँ, क्या मैं ईमान के साथ अपने कामकाज में रहता हूँ, क्या मैं खुदा के साथ उसको मुताबिक चलता हूँ। अगर नहीं चलता, आज मौका है, खुदा ने वक्त दिया, हम अपनी सख्तियों पर गौर करें और पहली जैसी मोहब्बत खुदा के साथ करना शुरू कर दें, ताकि हमारी दुआएं रुक ना जाए। इसलिए तो हम कहते हैं महीने हो गए, दो महीने हो गए, साल हो गए, हम दुआ करते हैं लेकिन हमारी दुआ का जवाब आ रहा है। इसलिए कहता है कि हम ईमान से मांगते नहीं, हम खुदा को बीच में, मसीह यीशु को बीच में रख के मांगते नहीं, क्योंकि वो फरमाता है कि मैं घर में आ गई, कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। सो आए मसीह सो ताकि रसूल पर आज अपने आप को अपनी सीढ़ियों पर गौर करें कि क्या मैं गिर तो नहीं चुका। अगर गिर चुके हैं वो उनका खड़ा करने की कुदरत बढ़ गया है। अगर टूट चुके हैं, दुनिया की फिक्रों लालचों ने आपको तोड़ दिया है, तो वो हम मुझे जोड़ने की कुदरत करता है। आए खुदा के रसूल अपनी सीढ़ियों पर गौर करें और आज के प्रोग्राम को इसी में से खुदा सबको बढ़ता है। आमीन।